जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आर्ट चैनल हम ग्रो कैसे करें फॉर बिगिनर्स या प्रोफेशनल जो भी हो, और इसका मैंने पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप बिगिनर्स है यूट्यूब चैनल को लेकर, तो उस पार्ट को भी जरूर देखना, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया है। और इस पार्ट में जो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो बिगिनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोफेशनल जो अभी जिनका सब्सक्राइबर 100 से लेकर 1000 और उसके पार भी होगा तो भी चलेगा, तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमें आर्ट चैनल या ड्राइंग चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें क्या करना होगा, हार्ड वर्क, उसके बाद स्मार्ट वर्क और पेशेंस, ये तीनों आपके साथ होना ही चाहिए, तभी जो है अपने आप ड्राइंग चैनल में ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। और यहाँ आप मेरे चैनल को देखोगे तो मेरा चैनल स्टार्ट किए हुए अभी हो गया लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, लास्ट जो है इस फरवरी महीने के अंदर जो है मेरा 2 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गया, और आज 2-3 महीने हो गया और एक्स्ट्रा। तो देखो पहले 1.5 साल में मेरा सब्सक्राइबर हुआ था 500, सिर्फ 500, और इस 500 साल के बाद जब अब तब से लेकर अब तक इस 6-7 महीने के अंदर ही मेरा चैनल का भी सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं लगभग 3000 होने ही वाला है। इस 6-7 महीने में 2000 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, कैसे हुआ इस तरह मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा, मैंने किस तरह से वीडियो अपलोड करना शुरू किया और मेरा चैनल पिछले की तुलना में जो है फास्टली ग्रो हो रहा है और आगे भी बहुत जल्दी से ये जो है इसका स्पीड बढ़ते ही जाएगा। इन्हीं सब टिप्स को आपको जो है फॉलो करना है। और मेरा स्टार्टिंग जब 500 था तो मेरे से आगे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिनका सब्सक्राइबर तब 1500 इस तरह के सब्सक्राइबर उनका था, मेरा चैनल अब उनसे 1000 ज़्यादा ही हो गया है। तो इसमें कुछ टिप्स बताऊँगा वही आपको फॉलो करना है। पहले मैं कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा। तो पहले आपको जो है आपकी जो फेवरेट टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आप ट्यूटोरियल बनाया कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हो अभी ट्रेंडिंग क्या चल रही है उस टॉपिक के ऊपर आप ड्राइंग बनाओ, कोई यूनिक स्टाइल में जो है क्रिएटिव स्टाइल में ड्रॉ करो और उसको वीडियो अपलोड करो। आपको जो है सेटअप, अगर आपको वीडियो भी अच्छा ड्रॉ कर रहा है सेटअप अच्छा नहीं है तो उसमें भी आप ध्यान देना है। इतना हाई क्वालिटी सेटअप भी नहीं चाहिए, मोबाइल से ड्रॉ करो, थोड़ा जो है आप जो दिखाने वाला हो वीडियो में कैमरे में जो ऑटो पे अच्छे से दिखना चाहिए, आप उसके लिए आप जो है रिंग लाइट ले सकते हो उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ऑडियंस को जो आपको सब्सक्राइबर जो भी आए उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उसको अच्छे से रिप्लाई देना है बिगिनर्स स्टार्टिंग में, अगर बाद में भी रिप्लाई तो देना ही है, बाद में आप ज़्यादा कमेंट आ जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो स्टार्टिंग से आपको सबके साथ नरम से पेश आना है। उसके बाद आप जो है कोलेब्रेशन कर सकते हैं आपके समान जो है, अगर आपका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है 500 से लेकर 100 भी सब्सक्राइबर है तो आपके लिए आपके समान जो भी यूट्यूबर्स है आपके समान तो उनके साथ आप जो है कोलेब्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप एक दूसरे का चैनल ग्रो कर सकते हो। और नेक्स्ट टिप है आप अपने चैनल को प्रमोट भी करवा सकते हो, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो अरे यूट्यूबर्स जो हैं उनके साथ भी अपने चैनल को बोलो प्रमोट करवाएं। और इस तरह से कहीं जगह पर आर्ट कॉम्पिटिशन भी चलता रहता है जो आर्ट कॉम्पिटिशन विनर्स को जो है अपना चैनल में प्रमोट करवाता है, जैसे कि मैं करता हूँ, और जो भी विनर्स बना अगर उनका ड्राइंग से रिलेटेड चैनल हो तो मैं प्रमोट करता हूँ मेरे से जितना हो सके। तो इस तरह से आप विनर बन के भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसे हैं तो कुछ तो पे करके आप अपना चैनल प्रमोट करवा सकते हैं, उससे भी आपका 80,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा अगर आपका आर्ट वर्क स्किल अच्छा है और आप अच्छे से वीडियो या ट्यूटोरियल अपलोड करते हो तो। और सबसे अच्छा बेस्ट टिप्स है आपको वीडियो में से अपने चैनल में जो है कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखना है, रेगुलर जो है जितना हो सके वीडियो अपलोड करना ही है, ऑडियंस जो है एक्टिव रहेंगे अगर आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करो, व्यूअर जो है इधर उधर घूमते रहते हैं और बाद में अच्छा यूट्यूबर मिल जाए तो वहाँ पर चले जाते हैं, इसलिए आपको एक्टिव रहना है हमेशा अपने चैनल में। वीडियो अपलोड ना कर सको तो पोस्ट ही अपलोड कर दिया करो, रेगुलर जो है 24 घंटे में एक तो वीडियो पोस्ट जो भी हो अपलोड करना ही है। और यहाँ आप अपना ड्राइंग चैनल ओपन किया है आपने और आप ड्राइंग में वीडियो अपलोड करना क्यों चाहते हो इसका आपका एम क्लियर होना चाहिए, किस लिए आप जो है ड्राइंग चैनल ओपन किया है आपने। ये जो जिस लोगों का क्लियर नहीं होता वही इस तरह से कन्फ्यूज रहते हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं फेमस होना चाहते हैं तो आपको जो है एफर्ट लगेगा और टाइम भी लगेगा और कंसिस्टेंसी, उसके बाद पेशेंस, ये 4 पॉइंट जिसके पास होगा चार चीज़ों को जो है साथ रखे एक साथ लेकर चलेगा वही जो है अच्छा यूट्यूबर बन सकेगा और अच्छा ड्राइंग आर्टिस्ट भी बन सकेगा। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि कई सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें उनके बारे में उन लोग तो बता ही देते हैं टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना चाहिए, फिर भी मैं अपने चैनल के लिए मैं कैसे लगाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी अपने इस तरह से आप कर सकें। तो कई सारे लोग जो बिगिनर्स हैं वो सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने राम श्री राम जी का ड्रॉ किया या फिर हनुमान जी का ड्रॉ करना हो तो लोग सर्च करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ हनुमान लॉर्ड हनुमान ईजी स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से टॉपिक सर्च करेंगे तो ये टॉपिक आपको यूट्यूब में सर्च करना है तो सर्च करेंगे तो यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह का जो है जो लोग सर्च करते हैं वो कीबोर्ड दिखेगा, तो वो आपको इस तरह से रैपिड टेक्स्ट का ऑप्शन है
क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है इसको पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे ये टाइटल आ जाएगी, वो सब आपको कॉपी करके अपने जो है YT स्टूडियो भी होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए YouTube में वीडियो तो अपलोड करना है आपको, एडिटिंग के लिए जो है YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, कई सारे लोगों के पास है ही, तो उसमें आपको टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन में रख देना है उस टाइटल टैग को, उसके बाद टैग का ऑप्शन है वहाँ पे भी आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से करके आपको अपना थंबनेल भी अच्छा लगा देना है, और इस तरह से मैं भी इस तरह से करता हूँ। उसके बाद जो है एक सही टाइम पे अपलोड करना है, शाम को या फिर सुबह को ही वीडियो अपलोड करना है, तभी जो है आपका ऑडियंस एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आपको जो है सोशल मीडिया हैंडल में जो है, आप अगर यूट्यूब में एक्टिव हो, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो, आप यूट्यूबर हो, तो आपको जो है फेसबुक भी रखना है या इंस्टाग्राम भी रखना है, दोनों में से कोई और दूसरा सोशल मीडिया भी रखना है। अपना चैनल आपने यूट्यूब में जिस नाम से खोला है, मान लो मैंने सियाराम के आर्ट, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो सेम नाम मैंने फेसबुक में भी रखा है और सेम नाम मैंने इंस्टाग्राम में भी रखा है, ताकि ऑडियंस को आसानी हो आपके चैनल को फाइंड करने में। सेम नाम रखना है और हर जगह पर अपना चैनल का वीडियो आपने अपलोड किया यूट्यूब में, उसका अपडेट आप इंस्टाग्राम में भी दे दीजिएगा, फेसबुक में भी दे दीजिएगा, जो भी आपका सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप, वहाँ पर भी एक्टिव रहना है। और साथ ही आप जो है आपका चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइबर आ गया, लगभग 1000 सब्सक्राइबर के आसपास आ गया, तो आप अपने चैनल में आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करो, इससे जो है आपसे रिलेटेड आप जो है ड्राइंग चैनल आपने ओपन किया है, तो आपको जो है आपके चैनल में जो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट कॉम्पिटिशन में, जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोग तो आर्ट कॉम्पिटिशन आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको भी आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह से आपका ऑडियंस भी आएगा। और बीच बीच में आपको जो है गिव अवे भी करना है, और जो है आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलना है किसी को, जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो सब्सक्राइब तो कर देगा, पर वो अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, किसी को भी मत बोलना कि सब्सक्राइब करने का, सब लोग का अलग अलग में इंटरेस्ट है, जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं को सब्सक्राइब करने को बोलना। हम लोग क्या करते हैं गलती, सब्सक्राइबर बनाने के लिए किसी को भी सब्सक्राइब करवा देते हैं, और वो सब्सक्राइब करने से हमें ना पैसा मिलता है ना कुछ भी, नहीं फ़ायदा होता है। जब पैसा अर्निंग होगा वो होगा कैसे होगा, वो हमें व्यूज से होगा, और व्यूज कौन देखेंगे वीडियो जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो जेबलिन कैसे यूज़ करना चाहिए, जेबलिन कैसे चलाना चाहिए, उसके बारे में वीडियो अपलोड करता है, और उसने क्या क्या आपको सब्सक्राइब करने के बोला अपने चैनल में, तो आपने उसका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, पर आप जो है आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सब्सक्राइब तो भले कर दिया, हमारा दोस्त है फ्रेंड है सपोर्ट कर दिया, पर हम वीडियो उसका नहीं देखेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए हमें जो है जेन्युइन सब्सक्राइबर लाना है, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसी को ही सब्सक्राइब करने को बोलना है। मैं जो है पहले क्या करता था, मैं यही गलती करता था। और यहाँ पे आप अपने चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी रख रहे हो, ठीक है, पर यहाँ पे जो है आप व्यूअर्स के लिए जो है कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, बस वीडियो अपलोड ही करते जा रहे हो, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ऐसा ही वीडियो अपलोड करना है जो आपके व्यूअर्स के लिए जो है वैल्यू ऐड हो सके, जैसे कि ट्यूटोरियल अपलोड कर लो, कोई ट्रिक सिखा दो, जैसे मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहा, जैसे कि आपका ड्राइंग चैनल है, आप ड्राइंग चैनल को कैसे ग्रो करना चाहते हैं, इसने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपको जो सीखने को मिला है। स्टार्टिंग में आप जब डायरेक्ट यूट्यूब में आएंगे सिखाने के लिए, ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे, तो ऐसा आप नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको पहले ऑफलाइन में ही आपके आसपास जो है पड़ोस पड़ोस में जो भी ड्राइंग इंटरेस्ट रखते हैं उनको ड्राइंग में सिखाना है, तो देखेंगे आप बहुत सारे कि कहाँ कहाँ कर उनका जो है मिस्टेक होता है, आप समझा पाते हैं कि नहीं, तो उसमें उससे जो है आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारा अनुभव मिलेगा, तब आप जो है यूट्यूब में भी आप शेयर कर सकते हैं, उससे जो है ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जो है सीख पाएंगे। हमेशा अपने चैनल को लेकर मोटिवेट रहो, जैसे क्या लोग क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया और बार बार जो है सब्सक्राइबर देखते रहते हैं, व्यूज़ देखते रहते हैं, कितने व्यूज़ आया कितने नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे जो है हम डीमोटिवेट ही होते हैं जितने भी व्यूज़ आए। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था गलती, वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ समय बाद बार बार देखते रहते सब्सक्राइबर हुआ सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं, व्यूज़ आया कि नहीं, ये सब में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और जो हमें ड्राइंग करने का मन ही नहीं करता है, और इस तरह से कंसिस्टेंसी भी टूट जाता है। यहाँ मैं कैसे कंसिस्टेंसी रख पाया, तो मैंने क्या किया, 7-8 महीने पहले से जो है अपने चैनल में वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहा, और मैं जो है बार बार सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, और ज़्यादा देखने का मन हो तो महीने में एक बार एक टारगेट ले लेता हूँ, और इससे इसके अंदर भी मैं कभी बाई चांस गलती से भी देख लिया तो उसके जो है 10 रुपीज़ फाइन या फिर 5 रुपीज़ फाइन इस तरह से आप लगा दो, तो क्या होगा अपने आप जो है ये आदत आपका छूट जाएगी, और ये आदत आपका जो है छूट जाए तो आप जो है बहुत जल्दी अपने चैनल में ग्रो कर सकते हो, और इस तरह से हमें मोटिवेट भी हमेशा रहता है। और ये मत देखो हमारा सब्सक्राइबर कितना हुआ कितना नहीं, बस ये देखो आप हमने वीडियो आज कितना अपलोड किया कितना नहीं, इसमें आप ध्यान दोगे तो आपका चैनल यूँ ग्रो होगा। यही इस तरह से मैं फॉलो करके जो है आज तक मैं यहाँ तक जो है मेरा चैनल अभी तक ग्रो हुआ है और आगे भी बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली है। अगर आप सब्सक्राइबर व्यूज इसमें ही देखते रहेंगे तो आप कभी हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे और स्मार्ट वर्क भी कभी हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको इन चार चीज़ों को तो ध्यान से रखना है, एक है कंसिस्टेंसी, एफर्ट, टाइम आपको फिक्स करके लेना है कि आप एक साल इसमें टाइम देना ही है आपको, कम से कम एक साल, और एक साल में आपको जो है अपने
क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें देखना है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और इस तरह से आप करेंगे तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। और यही तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ और इस तरह से मेरा चैनल भी यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो इस वीडियो में देखते हैं, और कोई सवाल है कि मैंने कोई भी सवाल है तो मुझे कॉमेंट में बता देना। फर्स्ट पार्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमें चैनल के साथ, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।